नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। आपका स्वागत है हमारे खास शो युवा जागृति में। आज हम बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। हमारे साथ हैं वीएलसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूटी एंड न्यूट्रिशन की सेंटर मैनेजर सुमित्रा कुमारी। सुमित्रा जी, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू इंस्टीट्यूट एंड इंट्रोड्यूस द हेल्थ न्यूट्रिशन एंड ब्यूटी ऑल द थिंग्स। थैंक यू सो मच सुमित्रा जी। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बैलेंस डाइट क्या होता है, एक संपूर्ण आहार जिसे कहते हैं, वो क्या होता है? बेसिकली संपूर्ण आहार ये है कि उसमें सारा कुछ, मतलब आपका बैलेंस होना चाहिए। मतलब ऐसे न्यूट्रिशंस में भी आप पढ़ेंगे तो उसमें वेजिटेबल्स आते हैं, आपके ग्रीन वेजिटेबल्स जितने हैं वो हैं, आपको फ्रूट्स हैं, ये सब लेना चाहिए। मिल्क है, प्रॉपर मिल्क लेना चाहिए। कैल्शियम के जितने भी चीज़ होते हैं वो सब सारे लेने चाहिए। तो उसी सब बैलेंस, जब हम लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो उससे होता है क्या कि हम लोग एज से ज़्यादा दिखते हैं। क्योंकि जैसे आप आज के डेट में देख रहे हैं कि फास्ट फूड पे लोग ज़्यादा प्रिफर करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं या बर्गर ज़्यादा खाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हम लोग, मतलब अपने जो एज रियल है उस रियल एज से भी, मतलब ज़्यादा दिखते हैं। बिकॉज ऑफ हम लोग कैलोरी खाते हैं, विटामिन्स उसमें तो रहता नहीं, ना विटामिन्स रहता है, ना अदर कोई प्रोटीन्स रहता है। दैट्स व्हाई हम लोग कैलोरी हमेशा खाते रहते हैं। तो इससे होता है कि बहुत सारा डिजीज़ भी है, उससे बहुत ज़्यादा शुगर के पेशेंट बढ़ गए, हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो ये सब सारा चीज़ है। जब बैलेंस डाइट हम लोग लेते हैं तो एक, मतलब आप उस चीज़ को देखेंगे तो कहीं ना कहीं बैलेंस डाइट की वजह से हम लोग को स्किन पे ग्लो आती है, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेज होती हैं, प्रॉपर आप नींद, आपकी प्रॉपर नींद आएगी। मतलब हर एक एक्टिविटीज मेरे पे डिपेंड कर, मतलब उस न्यूट्रिएंट्स, ये बैलेंस डाइट पे निर्भर करता है। अगर हम अच्छा डाइट लेते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे, अगर अच्छा डाइट नहीं लेते तो हेल्दी नहीं रहेंगे। कहीं ना कभी इलनेस आएगा, कभी ना कभी हमको लगेगा कि ये आज नहीं करें, कल पे छोड़ दें, इस तरह से आता है। तो हम लोग को बैलेंस डाइट लेना चाहिए, और अगर बैलेंस डाइट लेते हैं तो फिर हम हेल्दी रहते हैं। जब हेल्दी रहेंगे तो माइंड मेरा हेल्दी होगा, काम पूरा। तो जैसा कि सुमित्रा जी ने हमें बताया कि बैलेंस डाइट ले जिससे कि आप हेल्दी दिखें, आप सुंदर दिखें। मैम, आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग फास्ट फूड का काफ़ी हद तक सेवन करते हैं, इजी टू मेक इजी टू टेक है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है सेहत पे, चेहरे पे? मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग जब लेते हैं, जैसे बर्गर पिज्ज़ा ये सब जो हम बताएं, वो हम सिर्फ कैलोरी ले रहे हैं, कोई विटामिन्स नहीं ले रहे हैं, कोई प्रोटीन्स नहीं लेते हैं उसमें। रेडीमेड चीज़ रहता है वो, जो हम लोग को बहुत, मतलब ऐसा कर देता है कि वो हम एज से ज़्यादा दिखने लगते हैं। मतलब जो एज होना चाहिए, देखिए कल के डेट में हम जल्दी बूढ़े होने लगे, बहुत सारी बीमारी मेरे अंदर डेवलप कर जाता है वो सबसे। तो ये चीज़ है कि आप जितना फास्ट फूड लेंगे आज के डेट में उतना ही बीमारी, डिजीज है, किसी को शुगर, किसी को हार्ट अटैक। ये पहले का आप देख लेंगे और अभी के देखेंगे, अभी जो लोग जितना इस चीज़ को यूज करते हैं तो बीमार ज़्यादा हो गए हैं। पहले जो होते थे, अभी में डिफरेंस जो होगा, हम लोग के पापा लोग क्या खाते थे और अभी हम लोग क्या करते हैं, वो लोग आप करेंगे काम में तो वो थकते नहीं हैं, हम लोग थक जाते हैं। तो ये दोनों बैलेंस नहीं हो पा रहा है ना, हम लोग जो खाते हैं वो लोग खाते थे, दोनों में डिफरेंसेस है। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि बर्गर पिज्ज़ा जो भी हम लोग का फास्ट फूड खाते हैं वो बहुत हानिकारक हम लोग का। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए, बॉडी के लिए हानिकारक। इसीलिए अवॉइड करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, देन हम लोग हेल्दी रहेंगे। तो जैसा कि हमें मैम ने बताया, ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस डाइट पे ही जोर देनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक जंक फूड का सेवन कम करना चाहिए। हम किस तरह का आहार चेहरे के लिए अच्छा होगा? देखिए सबसे पहले जो हम लोग बता रहे हैं कि अभी जो ठंड का मौसम आ रहा है, तो अभी ग्रीन वेजिटेबल्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वाले जो है आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलेंगे। तो कलर जो है हम लोग को बहुत काफ़ी हद तक हम लोग के स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब हम लोग के जो स्किन होता है उसके लिए अच्छा होता है, फिर हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी जो है जितने भी है ग्रीन वेजिटेबल्स को यूज करें, और जितने भी कलर्स, खासकर कलर्स वाले जितने भी वेजिटेबल्स हैं तो वो ज़्यादा यूज करें। दूसरी बात, फ्रूट तो आप जानते होंगे, फ्रूट लेना चाहिए, प्रॉपर मिल्क, आप ये सब सारा कुछ लेना चाहिए सभी को। तो मैम, आप हमें ये बताएं कि बच्चे जो काफ़ी हद तक खानों से भागते हैं या बहुत हरी सब्जी इन सब चीज़ का सेवन नहीं करना चाहते हैं, तो किस तरह खाने को रोचक भी बनाया जाए और किन किन चीज़ों को खिलाया जाए जिससे कि बच्चों का मेंटल फिजिकल ग्रोथ हो? देखिए फर्स्टली मैं कहूँगी कि इसमें माँ बाप का सबसे अहम रोल होना चाहिए,
कि बच्चे क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या चीज़ नहीं पसंद करते हैं। सबसे पहले तो हम सभी पेरेंट्स को बोलेंगे कि अगर बच्चे कोई खाने से मना करता है या बोलता है हम ये नहीं खाएंगे, तो उस चीज़ को जानना चाहिए कि क्यों नहीं खा रहा है। हो सकता है कि वो चीज़ उनको खाने में अच्छा नहीं लगता है, उसी को दूसरा फॉर्म में बना दें तो हो सकता है कि वो खा लें। या अगर वो बच्चा बोल रहा है कि हम नहीं खाएंगे, तो एक बार उनको न्यूट्रिशन के डाइटिशियन से जाके मिलवाना चाहिए कि ये क्या ऐसा प्रॉपर डाइट ले, सो दैट कि वो अपना वेट भी मेंटेन करें, हाइट भी मेंटेन करें, फिर प्रॉपर उसको क्लास में भी मतलब पढ़ने में मन लगे। तो ये हर एक मदर फादर को करना चाहिए कि बच्चों के एटलीस्ट डाइट प्लान होना चाहिए कि मॉर्निंग में क्या ले, आफ्टरनून में क्या ले, इवनिंग में क्या ले, ये सारा मदर पे डिपेंड करता है। मैं तो कहूँगी कि आप देखेंगे मेट्रो सिटी में तो मैक्सिमम जो मदर होती है वो न्यूट्रिशन का ऑलरेडी बच्चों के लिए एक चाइल्ड केयर न्यूट्रिशन का जो कोर्स होता है ऑलरेडी वो कर लेते हैं, सो दैट कि मेरे बच्चे हेल्दी रहे। जब बच्चे हेल्दी रहेंगे तो ऑब्वियसली है कि सारा कुछ हेल्दी उनका रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज उनका सही रहेगा। तो जैसा कि मैम ने बताया कि माता पिता को ये ध्यान देनी चाहिए कि बच्चे कौन सी पदार्थ का सेवन नहीं कर रहे हैं, और फिर किसी न किसी तरह डाइटिशियन से कंसल्ट करके ये जानना चाहिए कि उसकी कमी की भरपाई कैसे की जा सकती है। मैम, काफ़ी हद तक देखा गया कि जो युवा होते हैं, यूथ होते हैं, उस एज में उन्हें काफ़ी भागदौड़ का ज़िंदगी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, करियर भी है, जॉब भी है, एक लाइफ भी है, तो ऐसे में खान पान का क्या रूटीन होना चाहिए? मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि देखिए, चाहे बच्चे हो, बुढ़े हो, युवा हो, सबको डाइट ज़रूरी होता है। सबको पहले प्रॉपर अगर वो डाइट नहीं लेते हैं तो फर्स्टली वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब हम वीकनेस फील करते हैं तो मेरा काम मन में ले लगता है, कहीं और काम मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ लगता है कुछ खोया खोया ऐसा कुछ इस तरह। तो हम लोग जब अगर जो युवा को मैं यही बोलूँगी कि पहले वो अपना डाइट पे फोकस करें कि हमको क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए। देखो, जब हेल्दी रहोगे तभी जॉब रहेगा, तभी सब कुछ रहेगा। तो पहले वो फाइंड आउट करें कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या मॉर्निंग में लूँ, क्या आफ्टरनून में लूँ, क्या डिनर में लूँ। तो वो खुद डिसाइड करें, या वही चीज़ सेम मैं रिपीट करूँगी, जाके न्यूट्रिशन या डाइटिशन से कंसल्ट करें कि आप मुझे डाइट प्लान बताओ कि कितनी कैलोरी लेनी चाहिए मुझे, कितनी नहीं लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। उनको अगर पता होगा तो वो युवा अपना खुद से खुद अपना डाइट मेंटेन करके और प्रॉपर डाइट लेके ले, सो दैट कि वो सारा कुछ, जॉब भी उसकी अच्छी चलेगी, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वो सारा मैनेज कर पाएगा। जैसा कि सुमित्रा जी ने बताया, एक डाइट प्लान का होना अति आवश्यक है। आप कितनी कैलोरी ले सकते हैं, कितनी नहीं ले सकते हैं, इसकी समझ आपको एक न्यूट्रिशन, एक डाइटिशियन ही बता सकता है। मैम, कई ऐसे लोग हैं जो मोटापा से ग्रसित हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो काफ़ी पतले, वो मोटा होना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं। देखिए, तो इन दो परिस्थितियों में क्या करनी चाहिए? फर्स्टली हम ये कहेंगे कि जो लोग मोटे हैं उसको थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, ऐसा नहीं है। और बहुत लोग को माइंड सेट में है कि हम डाइट नहीं लेंगे, नहीं खाएंगे तो हो सकता है हम पतले हो जाएंगे। अगर वो सोचते हैं कि हम नहीं खाएंगे, डाइटिंग करेंगे तो हम दुबले हो जाएंगे, तो ये गलत बात है। उनकी सोच को हटाना होगा कि ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जितना ही हम खाना नहीं लेते हैं उतना ही हम लोग का जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है, देखिए मोटापा डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म रेट पे। वो जो है हम लोग बचपन में देखते हैं कि आफ्टर जो है 18 हम लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, तो हम लोग के मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो डिफरेंस हो जाता है, हार्मोन चेंजेस के साथ वो चेंज होते रहता है, तो उसी पे डिपेंड करता है। फर्स्टली मैं वो ये बोलूँगी कि जो भी वो डाइट ले या जो भी खाना खाते हैं तो वो प्रॉपर इस तरह से ले कि सो दैट कि वो उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो मेंटेन रहे, यानी कि ओवर ईटिंग कर ले, अब मॉर्निंग में वो चावल खा ले, इवनिंग में वो जो मतलब उल्टा पुल्टा शेड्यूल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। दूसरी बात, वॉक करना चाहिए, पानी आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिए, डाइट आप कम, डाइट जब खाना खाते हैं उसके बाद आधा घंटा के बाद आपको पानी पीना चाहिए, ये नहीं कि हम खा रहे हैं उसी समय पानी पी ली तो वो भी आपका मोटापा का एक ये है। आप खाने के बाद तुरंत आप सो नहीं सकते हैं, बहुत लोग होते हैं कि खाने के बाद सो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उनको वॉक करना चाहिए खाने के बाद, तो हमेशा 20-25 मिनट्स वॉक करना चाहिए, आफ्टर डैट आप सोने के लिए जाओ या कर सकते हो। तो ये सब मोटापा का सबसे है। फास्ट फूड जंक फूड को छोड़ना चाहिए। आप जितना फास्ट फूड खाओगे उतना कैलोरी आप ले रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसमें मैक्सिमम कैलोरी है, तो जितना अवॉइड होता है, जितने आपको कैलोरी लेना है उतना लीजिए। आप मैक्सिमम कैलोरी लीजिएगा तो मोटापा होगा ही, तो इस चीज़ को कंट्रोल
करना पड़ेगा। दूसरी है जिनका वेट मतलब नहीं भर रहा, उस कम है, कम है उसका लिए, उसके लिए एक चीज़ होता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है उनके साथ एक बार ये होना चाहिए कि अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है, कुछ डिजीज़ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देन वो अपना रूटीन चेंज करें। बहुत लोग होते हैं ना कि आप एक बार खा लिए, पतले लोग एक बार खा लिए फिर रात में थोड़ा खाएं, फिर मतलब इस तरह से उनका रूटीन होता है। बार ये फैशन के रूप में, फैशन के रूप में, तो डाइट के लिए अब थोड़ा खा रहे हैं, ब्रेड खा लिए, दो ब्रेड खा लिए, दो एप्पल खा लिए, ये सब खा लें, तो उसको प्रॉपर बॉडी को तो डाइट मिल नहीं रही है ना। तो जब बॉडी को प्रॉपर डाइट मिलेगी तभी तो उनकी डेवलपमेंट होगी। तो ज़रूरी है प्रॉपर डाइट की, जब प्रॉपर डाइट लेंगे तो ऑब्वियसली उनका वेट गेन होगा। तो मैं यही कहूँगी कि सभी को, अब पतले हो दुबले हो, दुबले लोग हो जो भी पतले लोग हैं या मोटे लोग जो भी हैं, उनको पहले डाइट अपना जाके डाइटिशियन से दिखाना चाहिए कि मेरा ये बॉडी का वेट है, ये मेरे हम मुझे क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए। सभी को मैं ये सजेस्ट करूँगी। और जो हाउसवाइफ है उनको कोशिश करना चाहिए कि अपना खुद से खुद न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस हो, सो दैट कि वो अवेयरनेस होगी तो उनका चाइल्ड अवेयर होंगे, चाइल्ड को प्रॉपर डाइट देंगे, फिर अपना हस्बैंड को जो टिफ़िन देंगे वो प्रॉपर डाइट होगा, बैलेंस डाइट रहेगा, फिर बच्चों अपनी आप खुद वो हेल्दी रहेंगे। तो इसीलिए कहेंगे, कोशिश करेंगे कि न्यूट्रिशन के ज़्यादा से ज़्यादा वो नॉलेज लें। और न्यूट्रिशन का होगा, देखिए बहुत सारा है कि क्रॉस्पॉन्डेंस कोर्स हो रहा है, वो घर बैठे अपना पढ़ सकती हैं, ये सब चीज़ कर सकती हैं। हेल्दी रहने का यही है कि जब तक नॉलेज नहीं रहेगा आप तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। विदाउट नॉलेज आपको, हाँ कोई बता दिया आप ऐसे करो तो आप करने जाते हो, फिर उल्टा हो जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और वो आप फॉलो करो इस चीज़ को कि हाँ देखो, सब चीज़ का नियम होता है। मॉर्निंग में आप कहोगे कि हम 10 बजे उठें तो वो चीज़ नहीं होगा ना। तो रूटीन हर चीज़ को फॉलो करना, हम यही कहेंगे बेसिकली, और कुछ नहीं कहेंगे। प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, रूटीन फॉलो होना चाहिए, बस दैट्स इट। तो बहुत अच्छा मैम ने हमें बताया कि रूटीन भी एक अच्छी होनी चाहिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू, और अर्ली उठना भी चाहिए, इससे एक अच्छी खान पान की रूटीन बरकरार रहती है। मैम लास्ट में आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स देना चाहेंगी जिससे कि वो एक स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर। मैं यही कहूँगी कि बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट ले, बैलेंस डाइट ले जिसमें वो स्वस्थ रहे, और ऑलवेज जो है थोड़ा सा वॉक करें, जितना अधिक से अधिक हो सके वाटर का सेवन करें। तो ये थी हमारे साथ VLCC इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूटी एंड न्यूट्रिशन की सेंटर मैनेजर सुमित्रा कुमारी। सुमित्रा जी, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आज हमने जाना सेहत से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें।